हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अन्वेषण। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस बुक के चैप्टर 3 को, यानी ट्रेबल को। ओके, तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट है उनके लिए जो भी सीटेट और एसटेट के एस्पायरेंट्स हैं और जो मेनली पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो सॉरी फॉर डिले एंड जो गैप हुआ है उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सीरीज़ को शेयर करें ताकि सभी को जो है सीक्वेंस में प्रिपरेशन करने में हेल्प मिल सके। ओके, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्रैवल के बारे में, मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डिफरेंट मोड्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं और वो मोड्स एक ही टाइप में किस किस तरीके के हो सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट रहेगा, हो सकता है शायद इसका पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 जो है बने। ओके, तो ट्रैवल क्या होता है? ट्रैवल कैन बी डिफाइंड एज अ जर्नी और अ ग्रेजुअल मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो ट्रैवल को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? एक यात्रा के तौर पर और ग्रेजुअल मूवमेंट, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो मूवमेंट होता है, जो स्थानांतरण होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रैवल कहते हैं। द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोड, रेल, वाटर एंड एयर। अच्छा, अब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम किसके थ्रू जाते हैं? या तो हम रोड पे जाएंगे, ठीक है, चाहे वो हम बस से जाएं, चाहे वो कार से जाएं, चाहे हम साइकिल से जाएं, पैदल चल के जाएं, ठीक है। और सेकंड होता है हमारा रेल, तो मेट्रो, रेलवेज़, इसके थ्रू हम जाते हैं, या फिर हम वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम एक दूसरे से दूसरी जगह जाते हैं, या फिर हम एयर मीडियम का यूज़ करते हैं, जैसे कि बाय हेलीकॉप्टर और बाय एयरप्लेन। ओके, तो अगर हम देखें रोड ट्रांसपोर्ट को तो 2 टाइप्स के रोड्स होते हैं। फर्स्ट होता है पक्का रोड और सेकंड होता है कच्चा रोड। तो पक्का रोड बेसिकली जो ऐसे रोड्स होते हैं जो कि कंक्रीट, सीमेंट और कोल तार का यूज़ करने के बाद में जो ट्रैक बनाया जाता है, जो रोड्स बनते हैं, उनको क्या कहते हैं? पक्का रोड्स। तो बेसिकली ये वाले जो रोड्स होते हैं वो मेन रूट पर बनाए जाते हैं ज़्यादातर, जो मतलब अर्बन एरियाज़ में ऐसे रोड ज़्यादा देखने को मिलते हैं और जिस पर हैवी व्हीकल्स को ले जाना होता है वहाँ पक्के रोड्स को बनाया जाता है। और सेकंड होते हैं कच्चा रोड्स। तो ये सेकंड टाइप्स के रोड्स होते हैं जिनको सॉयल और ग्रेवल यूज़ करके, यानी कंकड़ पत्थरों का इस्तेमाल करके ऐसे रोडों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मेनली जो लोकल्स होते हैं या फिर जो विलेजेस होते हैं वहाँ पर इस तरीके के रोड्स मिलते हैं। और रोड ट्रांसपोर्ट में एक और चीज़ आती है, ब्रिजेस। अब इस तरीके के जो मतलब जो रोड्स हैं यानी ब्रिजेस, पुल, तो ये कहाँ मिलते हैं? जहाँ पर मतलब हिली एरियाज़ होते हैं और हिल पे हम इजीली नहीं चढ़ सकते, तो उनकी कटिंग वगैरह करके वहाँ पर रोड्स बनाए जाते हैं और कुछ ब्रिज वगैरह बनाए जाते हैं जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन की जाती है। अब आगे है इसमें, इंडियन रोड नेटवर्क इज़ अबाउट 3.3 लाख किलोमीटर। तो इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो लगभग 3.3 लाख किलोमीटर का है, जो कि विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रोड ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, यानी रोड नेटवर्क कहा जाता है। अब हमारे जो सबसे टॉप के जो रोड्स हैं वो हैं हमारे हाईवेज़, जिसमें से आते हैं हमारे सबसे पहले नंबर पे नेशनल हाईवेज़, जो कि या तो 1 लेन होते हैं या फिर 2 लेन, मतलब ये चीज़ आपके समझ में आ रही हो कि एक साइड से जा सकता है, दूसरी साइड से आ सकता है, तो दिस इज़ बेसिकली नोन एज 2 लेन एंड 1 लेन में मतलब ये कि एक ही रोड होगा, तो ज़्यादा बड़ा नहीं होता ये। अब ये क्या है कि ये लगभग भारत में जितने भी रोड्स हैं उसका लगभग 1.7% जो एरिया जो कवर किया हुआ है वो कवर किया हुआ है नेशनल हाईवेज़ ने। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं क्वेश्चंस इसमें से कभी कभी। अब आगे आता है हमारा एक्सप्रेस हाईवेज़। तो एक्सप्रेस हाईवेज़ बेसिकली जो हम इन्हें सेकंड नेम से और जानते हैं एक्सप्रेस वेज़ के नाम से, तो ये सबसे ज़्यादा जो लेन बनाए जाते हैं इसी रोड में बनाए जाते हैं और 6 लेन तक के इसमें हाईवेज़ में रोड्स बनाए जाते हैं। अच्छा, अब इनका जो एक और नाम होता है कंट्रोल एक्सेस हाईवेज़, इनको कहा जाता है। अगर हम बात करें नेशनल हाईवेज़ की, तो नेशनल हाईवेज़ इंडिया में लगभग जो है 17 हैं
और मतलब जैसे बोलते हैं ना कि NH1 NH2, तो इस तरीके से 17 जो है नेशनल हाईवेज़ हैं हमारे, जो कि एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। अगर हम बात करें NH1 की, तो ये है जो है न्यू दिल्ली, अम्बाला, जलंधर, अमृतसर, जो हाईवेज़ इन चारों मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं वो। और NH2 में दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी एंड कोलकाता। NH3 में आगरा, ग्वालियर, नासिक, मुंबई। तो ऐसे ऐसे करके NH4 NH5, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है भी और नहीं भी, फिर भी नॉलेज के लिए चीज़ पता होनी चाहिए, क्या पता ही नहीं में से क्वेश्चन आ जाए। तो चलते हैं हम आगे। तो अब इसमें एक एक्सेप्शनल चीज़ है, एक हाईवे होता है NH47A जिसका नाम है, यानी ये कनेक्ट करता है किसको, कुंदानूर और विलिंगटन आइलैंड इन कोची। ओके, तो ये बेसिकली ये इंडिया का सबसे शॉर्टेस्ट हाईवे कहा जाता है। अब आगे हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आता है वो होता है ट्रेन के थ्रू। मतलब ट्रेन के थ्रू हम जो जर्नी करते हैं, हम यात्रा करते हैं, वो किस तरीके से होती है और किस किस प्रकार की ट्रेन होती हैं। तो हमारे जो एंशियंट टाइम में, मतलब अब से लगभग जो है 70-80 साल पहले, स्टीम और जो कोयले वगैरह से चलने वाली ट्रेन का यूज़ किया जाता था। लेकिन अभी जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर फ्यूल के थ्रू जो ट्रेन चलती हैं, तो अगर हम बात करें इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन की, तो वो है बुलेट ट्रेन, जो कि जापान ने बनाई थी सबसे पहले, और जिनका अब संचालन, बुलेट ट्रेन का संचालन जो है कहाँ कहाँ होता है, जापान में नेटवर्क है इसका, जर्मनी में और फ्रांस में। और इसकी जो स्पीड होती है वो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये बुलेट ट्रेन जो है ट्रैवल करती है, बुलेट ट्रेन चलती है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो है राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस, जो लगभग 120 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। और जो है एक और है गतिमान एक्सप्रेस, लेकिन इसका जो है रूट थोड़ा सा छोटा है, जो कि एच निज़ामुद्दीन और आगरा की जो है ट्रैवलिंग रूट है इसका। और इसकी जो स्पीड रहती है वो लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहती है। और जबकि राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस है, ये ऑल ओवर इंडिया में जो है इसका रूट रहता है। अब प्रेजेंट में जो भारत की दूसरी सबसे तेज चलने वाली जो ट्रेन है वो है न्यू दिल्ली से हबीबगंज तक चलने वाली ट्रेन, जिसे क्या कहते हैं, भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस, जिसकी जो स्पीड है वो लगभग 155 घंटे प्रति किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मतलब इतनी कांस्टेंट स्पीड से ये एक न्यू दिल्ली से हबीबगंज, यानी जो कि कहाँ है, भोपाल जो शहर है, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है, वहाँ तक ये चलती है। अब इंडिया की जो सबसे पहली जो ट्रेन थी, अब बात आती है इंडिया में सबसे पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली और वो किस सन में आई थी। तो इंडिया की जो सबसे पहली जो ट्रेन थी वो थी मुंबई से थेन तक चलने वाली ट्रेन, जो कि 1853 में जिसका संचालन शुरू किया गया था, और ये जो है कोयले से चलने वाली ट्रेन थी। अब आगे आता है इंडियन रेलवेज़ के जो हेडक्वार्टर्स के डिवीज़न्स हैं, उनको 6 मेजर रेलवे जोन में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आती है हमारी सेंट्रल रेलवेज़। तो सेंट्रल रेलवेज़ बेसिकली जो है मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अब आगे है हमारा ईस्टर्न रेलवेज़, जिसका हेडक्वार्टर है हमारा कोलकाता में, और जो कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। और अब नॉर्दर्न रेलवेज़ की अगर हम बात करते हैं, तो ये है बड़ौदा हाउस, न्यू दिल्ली। अब आगे है इसमें नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज़, यानी जो असम, मिज़ोरम, त्रिपुरा, जो हमारा इंडिया का नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट है, वहाँ पे जो रेलवे नेटवर्क है बेसिकली, उसका जो हेड क्वार्टर है वो है गोरखपुर में, जो कि असम का एक सिटी है। और अब आगे है इसमें नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, तो ये है हमारा मेलेगांव और गुवाहाटी में। तो अब आगे है सदर्न रेलवे, तो सदर्न रेलवे का चेन्नई में है। और साउथ सेंट्रल रेलवेज़, तो ये है सिकंदराबाद। ओके, अब आगे है साउथ ईस्टर्न रेलवे में गार्डन रीच कोलकाता, गार्डन रीच नाम की एक जगह है कहाँ पे, कोलकाता में। अब वेस्टर्न रेलवेज़,
आपका मुंबई में है, जिसका जो जगह है वो है चर्च गेट, और ईस्ट सेंट्रल रेलवेज़ यानी हाजीपुर, और ईस्ट कोस्ट रेलवेज़ यानी भुवनेश्वर। नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज़ का है इलाहाबाद में, जो कि अपने यूपी का ही एक शहर है और जहाँ पर कुंभ लगता है। और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़ का जो हेड क्वार्टर है वो है जयपुर में, जो कि राजस्थान का क्या है, एक सिटी है। अगर और अब इसमें आगे है कुछ जोन्स और हैं इसमें, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवेज़ का है बिलासपुर में, और साउथ वेस्टर्न रेलवेज़ का है हुबली में, और वेस्ट सेंट्रल रेलवेज़ का है जबलपुर में। अब आगे है इसमें, अगर हम बात करें वाटर मोड की, मतलब वाटर मोड के थ्रू हम किस तरीके से यात्रा करते हैं, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो कुछ वाटर वेज़ हैं। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि वाटर जो वेज़ होते हैं, तो जहाँ पानी उपलब्ध होगा, जहाँ मतलब जो समुद्र होंगे, जो बड़ी बड़ी नदियाँ होंगी, उन्हीं में तो हम जा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो नॉर्मली पैसेंजर्स जो ट्रैवलर्स होते हैं वो भी ट्रैवल करते हैं, और गुड्स को भी ट्रांसफ़र करने के लिए वाटर वेज़ का यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा। एक देश से दूसरे देश में जब भी कुछ सामान वगैरह भेजने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना होता है उसके लिए। तो 6 मेजर वाटर वेज़ हैं अपने इंडिया में। तो सबसे पहला है NW1, जिसके जो स्ट्रेचेज हैं वाटर वे के, तो वो हैं इलाहाबाद और हल्दिया, जिसकी डिस्टेंस है लगभग 1620 किलोमीटर, और इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो हैं अलोंग गंगा रिवर। अब आगे आता है इसमें NW2, तो जिसका है सादिया एंड दुबरी, जिसकी जो डिस्टेंस है, जो वाटर वेज के जो डिस्टेंस है वो है लगभग 891 किलोमीटर, एंड जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर में जिसकी जो वाटर वेज का यूज़ किया जाता है। अब NW3 जो है कोट्टापुरम और कोलम है, इसकी डिस्टेंस है 205 किलोमीटर इस वाटर वे की, और जिसकी स्पेसिफिकेशन है वेस्ट कोस्ट कैनाल और चंपकारा एंड उद्योग मंडल कैनाल। NW4 की बात करते हैं हम, तो काकीनंदा पुडुचेरी और बंद्रा चलम टू राजमुंद्री एंड वजीरबाद टू विजयवाड़ा, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो है 1095 किलोमीटर, और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो यानी वाटर वे की, तो वो है अलोंग गोदावरी कृष्णा रिवर, तो सेकंड लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया, ये भारत की सबसे लंबी कैनाल है, और मतलब भारत की दूसरी सबसे लंबी कैनाल है, और सबसे लंबी जो कैनाल है वो है हमारी गंगा रिवर। अब आगे है NW5, तो NW5 जो है मंगल घारी टू प्रदीप एंड तलचर टू धमारा, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो है 620 किलोमीटर, और जिसकी जो स्पेसिफिकेशन है वाटरवेज़ की वो है महानदी और ब्राह्मिनी रिवर सिस्टम, यहाँ पर ये वाटरवे यूज़ किया जाता है, मिलता है। और NW6 जो है लखीपुर बंगा, यानी 121 किलोमीटर इसकी वाटरवेज़ की डिस्टेंस है, जो कि बाराक रिवर में मतलब इस वाटरवेज़ को यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ वाटरवेज थे जिनको 6 मेजर टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब आगे आता है फोर्थ वाला जो मोड है हमारा ट्रांसपोर्टेशन का, यानी ट्रैवलिंग का, तो वो है एयर ट्रांसपोर्ट। तो एयर ट्रांसपोर्ट से आप समझ ही गए होंगे, बाय एयरप्लेन, बाय हेलीकॉप्टर से हम क्या है जो है हवा में ट्रैवलिंग करते हैं। तो अपने इंडिया में 12 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, और ऐसे तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स काफ़ी हैं, लेकिन 12 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, ये बहुत पूछा जाता है, जिसमें से कुछ मेजर एग्जांपल्स हैं जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट इन कोलकाता, एंड इंदिरा गांधी इंडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और भी कई सारे एयरपोर्ट्स हैं, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट है जो कि कहाँ है, अहमदाबाद में, और छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ पर, मुंबई में। अब आगे आता है हमारा स्पेस ट्रैवलिंग के बारे में।
अब ये तो ट्रैवलिंग थी हमारी, सिर्फ जो चार मोड बताए थे, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट और बाय रेलवेज। तो ये चार मोड बताए थे। ये कहाँ होता है? जहाँ हमें अपनी पृथ्वी पर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है, तो हम इन मोड का, डिफरेंट डिफरेंट मोड का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमें पृथ्वी को छोड़ करके, मतलब पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाना हो, तो कुछ ट्रैवलिंग का यूज़ किया जाता है, कुछ मोड्स का यूज़ किया जाता है। तो बाय रॉकेट और बाय स्पेस क्राफ्ट के थ्रू जो है हम स्पेस में ट्रैवलिंग करते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी कुछ हिस्ट्री की, तो 1969 में जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, तो हमारे जो सबसे, जो अर्थ के सबसे पास वाली जो सेलेस्टियल बॉडी है वो हमारा मून है, जो कि हमारी अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है। वो अगर हम बात करें अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ की, तो हमारे जो, मतलब जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट्स हैं, हमारा सन है और कुछ एस्ट्रॉइड्स हैं लाखों हज़ारों, जो कि मार्स से लेकर के जुपिटर के बीच में जो बेल्ट मिलती है, एस्ट्रॉइड बेल्ट, और कॉमेट्स वगैरह ये सब घूमते रहते हैं। तो इनसे मिलकर क्या बनता है? हमारा सोलर सिस्टम। तो ये सब क्या हो गई? हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हो गई। तो जो सबसे जो नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडीज़ है, तो वहाँ पर जो मनुष्य ने कदम रखा यानी हमारे मून पर, तो वो थे हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि कहाँ के थे? अमेरिकन, ये अमेरिका के थे, मतलब अमेरिकन सिटीज़न थे। तो 1969 में इन्होंने मून पर अपना पहला कदम रखा, मतलब फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून। एंड अगर हम बात करें विमन की, जिसने स्पेस वॉक करी, जो कि पहली महिला थी, वो थी सुनीता विलियम, जिन्होंने 16 अप्रैल 2007 में काफ़ी दूर तक स्पेस वॉक करी। क्योंकि आपको पता है कि हमारी अर्थ पे ही ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर हम स्पेस में जाते हैं तो हम वहाँ पर चल नहीं सकते, हम मतलब हम वहाँ उड़ भी नहीं सकते, हम चल भी नहीं सकते, सिर्फ ऐसा लगे कि हम वहाँ तैर रहे हैं। तो सुनीता विलियम नाम की एक महिला थी, जो कि अमेरिकन सिटीज़न थी, इन्होंने, मतलब जो पहली महिला थी जिन्होंने स्पेस वॉक किया है, स्पेस मैराथन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी, मतलब इंडिया की भी थी और कुछ इनके प्रैक्टिसेस वगैरह अमेरिका में भी हुए थे। तो वो थी कल्पना चावला, जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन थी टू विजिट स्पेस, जो कि सबसे पहले स्पेस में गई थी। तो हालांकि इनकी जो है मृत्यु हो गई थी जब इनका स्पेस शटल वापस लौट रहा था, जिसका नाम था ये इनकी जो मृत्यु हुई थी वो लगभग 2003 में हुई थी, फरवरी के महीने में, और स्पेस शटल कोलंबिया डिज़ास्टर के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस वीडियो में आपके में इतना ही था, मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके आप कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपका सजेशन है तो आप बता सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को तो प्रेस कर लें, ओके, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकें और आपकी प्रिपरेशन में किसी भी प्रकार की व्यवधाएँ, किसी भी प्रकार की जो है हर्डल्स ना आए। ओके, थैंक यू।